डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की। फील्ड पर इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी के साथ ही आपने MS धोनी को आर्मी यूनिफॉर्म या फील्ड ड्रेस में अक्सर देखा होगा। क्या MS धोनी सही में इंडियन आर्मी का हिस्सा है? क्या वो इंडियन आर्मी की एलीट पैरा रेजिमेंट से है? कैसे और क्यों कुछ सेलिब्रिटीज को इंडियन डिफेंस फोर्सेज में कमीशन किया जाता है? इन सब को हम आज की वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। क्या MS धोनी इंडियन आर्मी का पार्ट है? तो इसका शॉर्ट में सीधा जवाब होगा हाँ, पर एग्जैक्टली बोला जाए तो MS धोनी इंडियन टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है। MS धोनी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनको बचपन से ही यूनिफॉर्म फैसिनेट करती थी। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 1 नवंबर 2011 को इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ने MS धोनी को ऑनररी ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया। दरअसल कपिल देव के बाद MS धोनी दूसरे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें ये ऑनर मिला हो। कपिल देव और MS धोनी दोनों ही वर्ल्ड कप विनर टीम के कैप्टन रहे थे। धोनी बताते हैं कि उन्होंने इंडियन आर्मी की कम्प्लीटली वॉलंटियर यूनिट पैरा के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, जिसके कारण उन्होंने बिल्कुल भी टाइम ना लेते हुए अपनी प्रेफरेंस अथॉरिटी के सामने रखी, जिसे पूरा भी किया गया। अब सवाल आता है कि क्या TA ऑफिसर पैरा रेजिमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं, और ये क्वेश्चन काफी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी हैं। क्या TA ऑफिसर पैरा के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या ये प्रिविलेज MS धोनी को दी गई थी क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है? इसको अच्छे से समझने के लिए हमको पैरा रेजिमेंट को फर्दर डिवाइड करना होगा। पैराशूट रेजिमेंट में टोटल 17 बटालियंस हैं, 14 रेगुलर और 1 राष्ट्रीय राइफल्स। रेगुलर बटालियंस में भी 9 स्पेशल फोर्स बटालियन और 5 एयरबॉर्न इन्फेंट्री बटालियंस हैं। कौन कौन सी बटालियन स्पेशल फोर्सेस का पार्ट है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग डिटेल्स, इन सभी को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट या वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पैराशूट रेजिमेंट में बची हुई 2 बटालियंस हैं, वो दोनों टेरिटोरियल आर्मी की बटालियंस हैं। दैट इज 106th इन्फेंट्री बटालियन एंड 116th इन्फेंट्री बटालियन। और MS धोनी 106th इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी से है। MS धोनी ने भी बिल्कुल नॉर्मल TA ऑफिसर की तरह अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। उन्होंने पैरा विंग्स भी बेसिक पैरा जंप कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही अर्न किया था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई भी TA ऑफिसर करता है। अब सवाल आता है कि डिफेंस फोर्सेस में सेलिब्रिटीज को क्यों कमीशन किया जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, यूथ को डिफेंस फोर्सेस के लिए मोटिवेट करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन से सेलिब्रिटीज को डिफेंस फोर्सेस में कमीशन दिया गया है तो ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका इस वीडियो को लेकर या इन जनरल कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।